उत्तराखंड बने भले ही 18 साल हो गए हैं, फिर भी पहाड़ की राजधानी पहाड़ में नहीं बन पाई। आज भी आम जनता का यही कहना है, पहाड़ की राजधानी देहरादून नहीं घरसेड़ होनी चाहिए, जिस कारण आज पूरे प्रदेश भर में आंदोलन तेजी से बढ़ रहे हैं। वही मनीष उनियाल का कहना है, जो उत्तराखंड बने भले ही 18 साल बीत गए हों, आज भी उत्तराखंड की राजधानी घरसेड़ नहीं बन पाई तो उग्र आंदोलन करेंगे, और उत्तराखंड राज्य अलग होने के कारण यही था। हाँ जी, आपका नाम? मैं महेश उनियाल जी। यहाँ पर आंदोलन पर आप किराए पर बैठे हैं, तो क्या कुछ मांगे हैं आपके? हमारी मांग यही है कि 18 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, और स्थायी राजधानी जो है गैरसैंण होनी चाहिए, पहाड़ की राजधानी पहाड़ में ही होनी चाहिए, ये हमारा जो है मांग है। अगर सरकार स्थायी राजधानी गैरसैंण नहीं बनाती है तो क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ करना चाहेंगे? हम इस आंदोलन को और बढ़ाएंगे, बहुत तेजी से और आगे बढ़ेगा आंदोलन, और ये आंदोलन पूरा उत्तराखंड में फैल रहा है। राजधानी को लेकर वही लाखन सिंह का कहना है कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए, जिससे पलायन रुक सकता है, और राजधानी घरसेड़ बनने से आम लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जिस कारण यह आम जनता के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। हाँ जी, आपका नाम? मैं लखन सिंह रावत, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वर्तमान में हम लोग किसी पार्टी को न देखते हुए और किसी राजनीतिक दल को न देखते हुए एक सूत्रीय मांग पर, जो कि हर पहाड़ के निवासी की मांग है, कि आज दो अभी दो गैरसैंण राजधानी दो, और जिस मुद्दे को लेके आम नागरिक सड़कों पर आया था आज से 20 साल पहले, वो एक मांग थी कि आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो और पहाड़ की राजधानी गैरसैंण हो। इसी मुद्दे पे आम पहाड़ के नागरिक जो हैं मुजफ्फरनगर कांड में और बहुत सारे उनका उत्पीड़न हुआ, जिसका आज तक आपको क्या लगता है, अगर गैरसैंण स्थायी राजधानी या राजधानी सरकार बनाती है तो पलायन रुक पाएगा? देखिए, पलायन का ये है कि अगर सरकार हमारे क्षेत्र में हमारे नवयुवा युवक बेरोजगारों को अगर रोजगार के साधन मुहैया कराती है, तो मैं समझता हूँ कि निस्वार्थ भाव से जो है कोई भी बेरोजगार जो है अपने क्षेत्र में नज़दीक में काम करेगा। आपने देखा होगा छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे युवा जो है उनमें काम कर रहे हैं और अच्छा उनको जो है सैलरी मिल रही है। आपका सीधे तौर पर कहने का, अगर यहाँ गैरसैंण अगर राजधानी बनती है तो पहाड़ काफ़ी डेवलप हो जाएगा? बिल्कुल, पहाड़ डेवलप होगा, और मैं समझता हूँ कि आम आदमी अपने रोजगार के लिए यहाँ से बाहर जा रहा है। अगर उसको यहाँ पे कल कारखाने और मिल और बहुत सारे जो है उद्योग धंधे यहाँ पर स्थापित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में पहाड़ का युवा, बेरोजगार युवा यहाँ पे अपना जो है जीवन यापन करेगा, और अपने नए नए अगर उसको यहाँ पे अगर कच्चा माल मिलता है, वो अपने छोटे स्तर पर उद्योग धंधे चला